महामाया मंदिर के पट बंद होने के चलते यहां रोजाना भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वालों के लिए या कोरोना काल भारी मुसीबतों से सामना करते हुए घड़ी की सुई और कैलेंडर के पन्नों पर अंकित तारीखों को देखते हुए व्यतीत हो रहा है। कभी सुबह खाना मिल पाता है तो कभी शाम को, कोई रात में भोजन की व्यवस्था कर जाता है तो कभी भूखे ही दिन गुजारना पड़ता है। इन लोगों की परेशानी और पेट की आग की तलब को जब रज्जू अग्रवाल निवासी पेंड्रा ने देखा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए अपनी पत्नी सरोज अग्रवाल की स्मृति में प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि इस कोरोना काल में इन लोगों का पेट भर सके। आपको बता दें कि इस कोरोना की दूसरी लहर में धर्मनगरी रतनपुर के असहाय भिक्षु और जिनके पास 2 जून के रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए न ही नगर पालिका, महामाया मंदिर ट्रस्ट और न ही कोई सामाजिक संगठन आगे आकर किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है, जिससे इन बेसहारों को पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यह कहते हुए हमें बड़ा गर्व तो महसूस होता है कि हमने आजादी के 73 बसंत पूरे कर लिए हैं, लेकिन यह कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि आज भी हमारे देश में लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। श्रीमती सरोज अग्रवाल, पति श्री राजेंद्र अग्रवाल, रज्जू भैया पेंडा वाले, धर्म पत्नी श्रीमती सरोज अग्रवाल के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण और उनके 13 दिन तक के और रज्जू भैया की तरफ से यहाँ भिक्षुकों को एवं भिक्षुकों को मतलब प्रतिदिन और निःशुल्क पूरी सब्जी और मीठा पैकेट में प्रतिदिन मतलब 12:30 बजे दिया जाता है। और रज्जू भैया का यह है कि उनकी मृत आत्मा को संतोष के लिए यह कार्यक्रम प्रतिदिन रखा गया है, जिसे हम लोग आकर आत्मा को शांति के लिए और प्रतिदिन 12:30 बजे का आके और भोजन भिक्षुकों को दिया जाता है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।